एडवांस इनकम पहले समझते हैं कस्टमर वाला, ठीक है ना, फिर उसके बाद दूसरा समझेंगे। कस्टमर वाला एडवांस इनकम कैसे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, वो जर्नल एंट्री बता देते हैं लेकिन वो गलत होता है आंसर। तो एक बार आप ध्यान देना, यहाँ पे दो पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा। मान लो एक दुकानदार है, और जो दुकानदार है वो बुक स्टोर है, यानी यहां पे बुक्स वगैरह मिलता है, और ये दुकानदार दुकान पे बैठा हुआ है। मान लो यहां पे एक पर्सन, एक स्टूडेंट, मान लेते हैं इसका नाम हिमांशु, हिमांशु स्टूडेंट जो है इसे एक, इसके पास पॉकेट में अभी 550 एडवांस पैसे हैं जेब में, 550 रुपए हैं। अब ये आता है दुकान पे, चल के दुकान पे आया और दुकान वाले को इसने ऑर्डर किया कि मुझे 11th की अकाउंट्स की बुक दे दो। दुकान वाले ने बोला ये 11th की अकाउंट्स की बुक होगी वो होगी 520 रुपए की। उसने बोला मिलेगा आपको 520 रुपए की, लेकिन जब 520 रुपए का इसने बोला तो दुकान वालों ने बोला और हिमांशु ने बोला कि चलो ये बुक दे दो मुझे। दुकान वाला अंदर गया तो बुक खत्म हो चुका है, बुक है ही नहीं, बुक नहीं है। अब यहां पे हिमांशु दो सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, या तो दुकान वाले से बोल सकता है कि भैया शाम तक, इवनिंग तक क्या मंगवा दोगे आप। दुकान वाला बोल सकता है हाँ, या फिर ये बोल सकता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं मैं कहीं और से ले लूंगा। दो पॉइंट्स हो सकता है, या तो इससे बोल सकता है आप इवनिंग तक मंगवा दो ये बुक, या बोल सकता है मैं कहीं और से ले लूंगा। कहीं और से ले लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अगर दुकान वाले से बोलता है कि इवनिंग तक मंगवा दोगे, फिर से दो पॉइंट्स क्रिएट हो जाएगा। या तो ये अभी कुछ पैसे इसको एडवांस दे के जाएगा, या फिर ये फिर दोबारा इवनिंग में आ जाएगा। अगर ये कुछ पैसे एडवांस, मान लो इसको बोलता है कि एक काम करो मैं पैसे लेके आया था, दुकान वाले ने एक काम करो 100 रुपए दे दो, बुक आएगी शाम इवनिंग में, मैं ले आऊंगा बुक और आप बुक ले जाना। तो इसने क्या करा, 100 रुपए इसे दे दिया दुकानदार को। जब दुकानदार को 100 रुपए दे दिए तो क्या दुकानदार ने सेल कर दिया इसको, बुक तो है ही नहीं। क्या कस्टमर ने इसको ऑर्डर दिया, तो मैं बोल सकता हूं इसने ऑर्डर रिसीव किया है, लेकिन सिर्फ ऑर्डर रिसीव नहीं किया, ऑर्डर के साथ साथ एडवांस पैसा भी रिसीव किया है। अगर हिमांशु बोलता है कि ठीक है शाम तक बुक ला देना और चले जाता है हिमांशु घर, तो इसने ऑर्डर रिसीव किया है, लेकिन हिमांशु ने बोला शाम तक इवनिंग तक बुक ला देना और ये लो 100 रुपए, तो इसने ऑर्डर भी रिसीव किया है और अमाउंट भी रिसीव किया है। अगर हिमांशु बोलता कि मुझे इवनिंग तक बुक ला देना और घर चले जाता, तो कोई एंट्री नहीं होता, सिर्फ क्या रिसीव किया था इसने, ऑर्डर। अब हिमांशु इवनिंग में आएगा या नहीं आएगा कुछ नहीं पता, तो उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा। मैं अगर आपसे एक स्टेटमेंट बोलूं, ₹10,000 ऑर्डर रिसीव, ₹10,000 का ऑर्डर रिसीव किया मैंने मोहन से, इसकी जर्नल एंट्री, आंसर नो जर्नल एंट्री, क्योंकि मैंने सिर्फ ऑर्डर रिसीव किया है, ₹10,000 रिसीव नहीं किया। अगर मैं बोलता कि ₹10,000 ऑर्डर रिसीव फ्रॉम राम एंड 10% अमाउंट एडवांस रिसीव, अब जर्नल एंट्री करेंगे किसका, 10% जो अमाउंट एडवांस होगा उसका। तो समझ में आया, यहां पे दो सिचुएशन हो सकता है, अगर सिर्फ ऑर्डर रिसीव करेगा तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री, रीजन क्योंकि सामान इसका ना तो बिका और ना तो कुछ इसके पास आया, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है ही नहीं। जिस तरीके से आप दुकान पे जाते हो कोई मान लो क्लॉथ खरीदने के लिए और दुकानदार से बार्गेनिंग करते हो, और अगर बार्गेनिंग आपके बायर और सेलर के प्राइस उस जगह पे फिट नहीं होता तो दुकानदार उसको सेल्स भी नहीं मानता। इसी तरीके से ऑर्डर रिसीव की जर्नल एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। लेकिन यहां पे हिमांशु ने 100 दिया, इसका तो करना पड़ेगा। अब ये दुकानदार बोलेगा
अगर ये इवनिंग में बुक ला के नहीं देगा ना दुकानदार, हिमांशु बोलेगा मेरे पैसे लाओ 100 रुपये, अब आप नहीं लाओगे, तो क्या इसे 100 रुपये रिटर्न करने पड़ सकते हैं? इसके लिए लाइबिलिटी है, बिल्कुल। इसके लिए क्या है, ऐसे केस में क्या एंट्री करेगा? मैं देखो इसका स्टेटमेंट लिखता हूं, गुड्स वैल्यू ₹5,550, गुड्स वैल्यू ₹5,550, थोड़ा सही लिख देता है, गुड्स वैल्यू ₹5,550 एंड एडवांस रिसीव्स ₹100। सामान का वैल्यू था 550, लेकिन इसने एडवांस कितना रिसीव कर लिया? 100 रुपये। तो इसके लिए लाइबिलिटी क्या होगा? सिर्फ 100 रुपये। ये एंट्री करेगा मेरे पास कैश आ गया 100 रुपये का, और टू एडवांस रिसीव, ₹100। एडवांस रिसीव क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि लाइबिलिटी है। कैश डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि एसेट्स है। नहीं, पे नहीं कर दिया, रिसीव किया है ना इसने, दुकानदार की एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि ये एसेट्स है। बीइंग एडवांस ऑर्डर रिसीव ₹100। कोई डाउट बताओ? क्लियर। अब ये तो था हमारा कस्टमर से जो एडवांस आता है। कुछ एडवांस इनकम ऐसे रिसीव करते हैं, जैसे मैं मान लो आपको पढ़ाता हूं, मैंने बोला कि भाई आपकी फीस रहेगी एडवांस में, तो मुझे आप एडवांस दोगे, तो वो इनकम में एडवांस होगा। जैसे मैं बोलूं इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस ₹5,000, जैसे मैं बोलूं कमीशन रिसीव इन एडवांस ₹6,000। अब बताओ पहले वाले की एंट्री क्या होगा? कैश टू एडवांस इंटरेस्ट, एडवांस इंटरेस्ट यहां पता है, टू एडवांस इंटरेस्ट यहां हमें पता है, इंटरेस्ट एडवांस में है। बींग एडवांस इंटरेस्ट रिसीव्स ₹5,000। अगले की क्या बताओ, क्या करेंगे सेकंड की? एडवांस कमीशन रिसीव। क्लियर। तो देखो मैंने एडवांस रिसीव के अंदर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो कस्टमर से मिलता है तो कैसे करते हैं, इसमें जर्नल एंट्री हो भी सकता है और नहीं भी, और इसके अंदर ये जनरल एंट्री। अब इसे नोट करिए फटाफट, एक सिंपल सा मीनिंग पूछा, मैंने लिखा है बोर्ड पे डिसऑनर। अब देखो डिसऑनर आप में से कुछ बच्चों ने शायद सुना हो, मे भी बहुत कम चांसेस है, लेकिन एक वर्ड और इसी का मैं जैसा बोलूंगा उसका जरूर सुना होगा, बाउंस होना, चेक बाउंस होना, वो ज्यादातर बच्चों ने सुना हुआ है। तो बेसिकली चेक बाउंस होना हमारे नॉर्मल बोलचाल में होता है, और डिसऑनर होना अकाउंटिंग लैंग्वेज में है। तो डिसऑनर क्या होता है? चेक का एक तरीके से बाउंस हो जाना, ठीक है।
देखो, सबसे पहले हमें समझना होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक थ्योरी आपके एग्जाम में आता ही आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे तो उसके अंदर भी हम इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा आपको समझा दूं कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। देखो, मैं एक एग्जाम्पल सिंपल सा लेता हूं। मुझे एक घर खरीदना था, एक मुझे हाउस खरीदना है। बस आप इसका आंसर देते जाना, आपको समझ में आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक हाउस खरीदना है, और जो मैं हाउस खरीदूंगा, सबसे पहले मैं किसके पास जाऊंगा हाउस खरीदने के लिए? प्रॉपर्टी डीलर। एंड प्रॉपर्टी डीलर के पास जाने के बाद प्रॉपर्टी डीलर क्या करेगा, मुझे 2 3 4 घर दिखाएगा। मुझे अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं उसके लिए एग्रीड होऊंगा, अगर पसंद नहीं आया तो मैं डिनाई कर दूंगा। प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे मकान दिखाया, मकान दिखाने के बाद मुझे ये मकान जो था वो पसंद आ गया। सपोज करो, बंद करना है क्या इसको? अगर मकान इसने मुझे दिखा दिया और ये मकान मुझे पसंद भी आ गया, मकान पसंद आने के बाद मैं किससे बात करूंगा, बताओ? मकान मालिक से। प्रॉपर्टी डीलर क्या कर लेगा? उसने तो बस मिलवा दिया। प्रॉपर्टी डीलर का काम क्या होता है? मकान वाले से मिलवाना, बायर और सेलर को। उसके बाद बोलता है, लो जी बात कर लो। मैं मकान वाले से बात करूंगा, मैंने बोला, भाई कितने का मकान है ये? उसने बोला, ये मकान आपको मिलेगा 38 लाख रुपए का। मुझे बोला 38 लाख रुपए का ये मकान मिलेगा। मैंने बोला, भाई 38 लाख रुपए तो ज्यादा है, खैर मुझे तो और भी मकान मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ी लोकेशन समझ में आ गई इसलिए मैं ये लेने आया हूं। आपको बेचना है तो देखो सही बताओ। बोला 38 लाख रुपए का बेचूंगा। मैंने उसको रेट कोट किया, भाई मैं तो आपको 36 लाख रुपए दे सकता हूँ इसके, 38 तो नहीं है, 2 लाख फालतू बता रहे हो आप। यानी मेरा कोटेशन इसके पास गया कितने का? 36 लाख। उसने बोला, जी नहीं, 36 में तो नहीं हो पाएगा, 38 में मेरे पास, अभी पहले मेरा 37.5 का तो बिक ही रहा था, 37.5 में ले सकता हूँ, अभी मेरे को दिक्कत है इसलिए। मैंने बोला, जी देखो, अब डीलर को भी बोला, यार ये बहुत महंगा बता रहे हैं। तो डीलर भी क्या करते हैं, बीच में सोचते हैं कि सौदा यानी काम हो जाए, क्योंकि उसका कमीशन बनेगा, मेरे से भी, सेलर से भी और बायर से भी। डीलर ने बोला कि सर देख लो, कर लो, क्या है, और प्रॉपर्टी मंदा है। उसने किसी न किसी तरीके से हम दोनों का डील डन करवा दिया, 36 लाख 50 हजार में डील डन हो गया। अब 36 लाख 50 हजार का डील डन होने के बाद मैंने बोला, चलो पेमेंट कब करना है? पेमेंट करते हैं, लेकिन पहले पेपर तो बनाने पड़ेंगे। पेपर बनवाने को बोलते हैं रजिस्ट्री करवाना, अपने नाम पे क्या करवाते हैं हम? रजिस्ट्री। तो मैं रजिस्ट्री करवाना था इसका, तो जब रजिस्ट्री करवाने गया तो वहां पे खर्चा आ गया 50 हजार का, क्योंकि रजिस्ट्री करवाने के लिए हमें स्टैंप ड्यूटी पेड करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो उन सब कागज वागज बनवाने में कितना खर्चा आ गया? 50 हजार का। उसके बाद कमीशन भी देना पड़ता है हमें, किसको? जिसने मकान दिलवाया है, ब्रोकर को। तो कमीशन भी देना पड़ेगा प्रॉपर्टी डीलर को। मान लो उसको मैंने कमीशन दिया 35 हजार। उसके बाद सारा काम डील डन हो गया। डील डन होने के बाद जब मैं आया, तो आने के बाद मैंने क्या देखा कि मकान तो ठीक है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा रिपेयर की जरूरत है, जैसे वाइट वॉश, ट्यूबलाइट वगैरह चेंज करवा देते हैं, थोड़ा से मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग वगैरह, टैब वगैरह, ये सब ठीक करवाना था मुझे, तो रिपेयर करवाना पड़ा। तो रिपेयर करवाने में मेरा खर्चा आ गया, मान लो 65 हजार रुपये। रिपेयर करवाने में खर्चा आ गया 65 हजार। टोटल मकान जो था ये 50 और 1.5, 39 लाख का, नहीं 38 का। मुझे ये मकान कितने का पड़ गया? 38 लाख का। मेरा एक फ्रेंड मिला, मिलने के बाद बोलता है कि आजकल कहाँ रह रहे हो? मैंने बोला, मैंने तो अपना मकान ले लिया, वहीं रह रहे हैं। बोला, अच्छा मकान ले लिया आपने, कितने का लिया मकान?
मैंने बोला वैसे तो देखो क्या बताऊं, 36.5 37 38 का पड़ गया हमें ले दे के। यानी मैं बोलना चाहता हूँ 36.5 का था, लेकिन ले दे के कितने का पड़ गया, मैं उसको 38 ही बताना चाहता हूँ। मैंने बोला देखो ये 36.5 का तो मिला था, लेकिन काम हुआ कमीशन वमीशन ले दे के कितने का पड़ गया, 38 का। एक और ने पूछ लिया, भाई मकान तो सही लग रहा है, अभी अभी लिया है कि आपने, यहाँ रह रहे हो? मैंने बोला हाँ। कितने का लिया? मैं 38 लाख का लिया है जी। यानी मैं मकान की कॉस्ट कितनी बता रहा हूँ, 38 लाख। जब मैंने बिल्डिंग खरीदा, मकान का मतलब क्या हो गया, बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदा 38 लाख का, तो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? अगर कैश या चेक, यही होना चाहिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू। लेकिन देखो इसके अंदर रिपेयर भी है, इसके अंदर कमीशन भी है, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन चार्ज भी है, लेकिन आपने बोला कि इसे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश कर दो, और आपने बिल्कुल सही बताया। यानी इससे हमें एक बात ये समझ में आता है कि एसेट्स को खरीदते टाइम पे जो भी खर्चा करें वो उसी एसेट्स में जुड़ जाएगा। अगले साल अगर मैं व्हाइट वॉश करवाता हूँ 50,000 रुपये खर्च करके, मेरा दोस्त पूछेगा यार कितने का मकान बताया था, तो मैं ऐसा बोलूंगा नहीं यार 38 का पहले पड़ा था, 50 फिर खर्च कर दिए एक साल बाद, 38.5 का, ऐसे नहीं बोलूंगा। तब भी मैं कितना बोलूंगा, 38 ही बोलूंगा। यानी एक साल बाद इसके अंदर अगर मैं रिपेयर या व्हाइट वॉश करवाता हूं, तो एंट्री किससे करूंगा एक साल बाद, रिपेयर टू कैश। लेकिन खरीदते टाइम पे जब मैंने इसके अंदर रिपेयर या व्हाइट वॉश करवाया, तो रिपेयर से एंट्री नहीं करेंगे, किससे करेंगे, बिल्डिंग से। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो खर्चा जो कि एसेट्स बन जाता है। तो ऐसे कौन से खर्चे हैं जो कि एसेट्स बनते हैं, सारे के सारे खर्चे हमारे एसेट्स बन जाते हैं, लेकिन कंडीशन वो खरीदते टाइम पे किया गया हो। सपोज करो मैंने एसी खरीदा, एसी था 30,000 रुपये का, इसके ऊपर फिटिंग करवाने का खर्चा आया 5,000 रुपये, तो मैं हर किसी को एसी बोलूंगा 35,000 रुपये का है। लाने का किराया लग गया 200 रुपये, तो मैं बोलूंगा 35,200 रुपये का है। तो अब तो काटेज दिया ना मैंने, अब इसकी एंट्री देखो, मैंने एसी खरीदा 30,000, इंस्टॉलेशन चार्ज, इंस्टॉलेशन इंस्टॉल करवाने का खर्चा और कैरेज 200, टोटल 35,000। अगर मैं बोलू कैरिज पेड 200, एंट्री बताओ आप फटाफट से एंट्री बताओगे, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अब भी कैरिज पेड किया है, मैं बोलूंगा इसकी जनरल एंट्री करो, तो इसकी जनरल एंट्री पता है क्या करोगे, एसी अकाउंट डेबिट। अब 35,000, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो खर्चा जिसको के एसेट्स के साथ जोड़ दिया जाता है। और दूसरे लैंग्वेज में बोलूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है एसेट्स के साथ जोड़ दिया जाए, या कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होगा जो बाद में किया गया लेकिन एसेट्स की एफिशिएंसी बढ़ जाए काम करने की। सपोज करो एक सिलाई मशीन खरीदा, उसके अंदर हाथ से चलाते थे, हाथ से चलाने के बाद मुझे बड़ी दिक्कत होता था, मैंने उसमें मोटर लगवा लिया, बाद में पैर से चलाने लग गए, तो पहले सिलाई मशीन से मैं कितनी शर्ट सिल पाता एक दिन में, अब मोटर लगाने के बाद ज्यादा सिल पाऊंगा मैं, क्या मेरी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है? तो वो मोटर भी आपका एक साल बाद ही खर्चा किया गया था, लेकिन उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही नाम देंगे, क्योंकि मेरा एफिशिएंसी क्या कर दिया उसने, इंक्रीज कर दिया। अब मैं सपोज करो जब मैंने ये कमरे, इसको जो रूम जिसमें बैठे हो क्लासरूम के अंदर, इस रूम के ऊपर मैंने खर्चा किया था, व्हाइट वॉश करवाया, ट्यूबलाइट लगवाया, फैन लगवाया, तो वो सारे कौन से खर्चे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन एक साल बाद मैंने ट्यूबलाइट लगवाया, तो ये क्या हो गया हमारा, छोटा मोटा या फिर रिपेयर का खर्चे में आ जाएगा, इक्विपमेंट में आ जाएगा। मैं दो ट्यूबलाइट और लगवा दूं, रिपेयर रहेगा, मेरे एफिशिएंसी नहीं बढ़ने वाला है। चार ट्यूबलाइट और लगवा दूं, मेरे एफिशिएंसी बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। लेकिन बीच में एक वॉल डलवा देता हूं मैं, दीवार, इधर अलग क्लास और इस साइड अलग क्लास चल रही है, पॉसिबल है?
हो सकता है पॉसिबल, अगर दीवार डलवा दूं सेपरेट है तो इधर एक अलग क्लास चल रहा है, इधर एक छोटे बच्चों का अलग क्लास चल रहा है, क्या मेरा काम करने का एफिशिएंसी बढ़ गया? ये जो अब दीवार खड़ा करा है ना मैंने 1 साल के बाद, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को जज करने का 2 तरीका है, खरीदते टाइम पे जितना खर्चा किया जाए सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बाद में खर्चा किया जाए और उस एसेट्स की काम करने की एफिशिएंसी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही नाम दूंगा। ठीक है, अब मान लो मैं बाइक का एग्जाम्पल लेता हूं, बाइक के अंदर पहले क्या था, नॉर्मल टायर लगा हुआ था, मैंने बाइक खरीदा और खरीदते टाइम पे ही मैंने टायर को चेंज करवा दिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ट्यूब भी चेंज करवा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन 1 साल के बाद मैंने क्या करा, ट्यूबलेस टायर लगा दिया, ठीक है, तो वो भी मेरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, काम करने की कैपेसिटी ट्यूबलेस में क्या होता है, बढ़ जाता है अगर, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर माना जाएगा। या फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल लू, कार खरीदा, कार पेट्रोल का था, खरीदते टाइम पे जो भी खर्चा करा उस पे, एसेसरीज लगवाए, टायर लगवाए, सीसे लगवाए, कुछ भी लगवाए, वो सारा कौन सा खर्चा है खरीदते टाइम पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैंने उसके ऊपर एसेसरीज भी लगवाया, अगर मैंने उसके अंदर साउंड सिस्टम लगाया, 5 लाख का कार था और 2 लाख रुपए का मैंने अगर 1 लाख रुपए का साउंड सिस्टम लगा दिया, तो मैं कार को 6 लाख का काउंट करूंगा और जर्नल एंट्री करूंगा मैं कार अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से, 6 लाख से। लेकिन 1 साल के बाद फिर मैं खर्च कर रहा हूं, साउंड सिस्टम थोड़ा सा खराब हो गया, मैंने चेंज करके दोबारा लगा दिया, अब एंट्री कार अकाउंट से नहीं करेंगे, अब रिपेयर अकाउंट से करेंगे हम। लेकिन 1 साल के बाद और मैंने उसमें सीएनजी लगवा दिया, सीएनजी से क्या होता है, माइलेज इंक्रीज हो जाता है, कैपेसिटी इंक्रीज, अब उसको सीएनजी से नहीं करेंगे, कार अकाउंट डेबिट से करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो हमारा टॉपिक क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो किसी एसेट्स को खरीदते टाइम पे किया जाए या फिर मेरे काम करने की एफिशिएंसी को क्या कर दे, इंक्रीज। एग्जांपल देखो, वेजेस पेड रुपीस 6000 फोर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इंस्टॉलेशन चार्ज पेड रुपीज 5000 फॉर मशीनरी, दो एंट्री आपके सामने लिखा है, ज्यादा एग्जांपल की जरूरत भी नहीं है। मैंने वेजेस पेड किया है 6000 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मकान को बनाते टाइम पे दिया है, तो अब मैं इसको वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश करूं या बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग, अब क्या करेंगे, बिल्डिंग। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट बींग wages paid for of building। second बताओ, installation charge, installation पता है कब करवाते हैं, starting में, नए नए में, तो इसकी किससे करें, machinery है ना, तो machinery account debit to cash account। अगर मान लो मैं wages paid करता repair of building तो कैसे entry होता, wages paid हो रहा है तो wages से कर दो, वेजेस, अगर मैं करता वेजेस पेड फॉर व्हाइट वॉश, ठीक है, तो आप या तो व्हाइट वॉश अकाउंट डेबिट टू कैश कर सकते हो या फिर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आ रहा है क्या है, कब आपको कैसे करना है, तो सेकंड वाली एंट्री आप खुद करोगे, नोट करिए आप। डेबिट टू कैश का मतलब होगा आपका कि आपने खर्चा किया है वेजेस और जो वेजेस है वो नॉर्मल एक्सपेंस है। वेजेस क्या है बताओ आप, एक्सपेंस है, एक्सपेंस देखो एग्जांपल को ध्यान से देखना, जनरल एंट्री आपको समझ में आ जाएगा।
अभी तक जितने भी सीक्वेंस में जनरल एंट्री हमने करा है, उसके बाद का जो टॉपिक है ये वाला लेंगे हम, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में देखो आप, एग्जांपल में मान लो मेरे पास ना एक बिल्डिंग मैंने किराए पे लिया, एक बिल्डिंग को मैंने किराए पे लिया, तो बिल्डिंग में मैंने दो पार्ट कर दिया। ये है मेरा ग्राउंड फ्लोर, ध्यान से देखना आप बोर्ड पे, ये है ग्राउंड फ्लोर और ये है फर्स्ट फ्लोर बिल्डिंग के अंदर। एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। नॉर्मली मैंने कई बार ऐसा देखा है कि नीचे हम अपना कोई ना कोई दुकान करते हैं और ऊपर हम खुद रह लेते हैं, देखा होगा आपने। तो यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे इसने अपना दुकान है इसका, यानी इसका बिजनेस है, और यहां पे इसकी खुद का रेजिडेंस है। रेजिडेंस, अब रेजिडेंट क्या होता है? रेजिडेंस का मतलब होता है जहां पे, देखो दो तरीके के हमारे एक्टिविटी है यहाँ पे, एक रेजिडेंशियल एक्टिविटी और एक कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब जहां बिजनेस के पर्पस के लिए कोई काम किया जाता है उसको बोलते हैं कमर्शियल, और रेजिडेंशियल मतलब कोई बिजनेस नहीं होगा, हम खुद रहेंगे। जैसे मीटर दो होते हैं, सुना है आपने, एक मीटर होता है दुकान वालों का अलग और घर वालों का अलग, उसी तरीके से रेजिडेंशियल कमर्शियल। तो यहां पे वो खुद रहता है, इस वाले फ्लोर पे दुकानदार का जो मालिक है दुकान का वो खुद रहता है, और यहां पे क्या करता है वो अपना, और इस पूरे बिल्डिंग का जो किराया है, जो रेंट है, वो रेंट सपोज करो 10,000 है। पूरे बिल्डिंग का जो रेंट है सपोज करो वो हमारा 10,000 रुपीज है। अगर पूरे बिल्डिंग का रेंट हमारा 10,000 है, ये वाला जो एरिया है ना वो 50% है, और ये वाला जो एरिया है वो 50% है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वाला एरिया कितना है? 50%, और ये वाला एरिया भी कितना है हमारा? 50%। और पूरे बिल्डिंग का दोनों फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का किराया कितना मैंने बताया? 10,000। तो मुझे आपसे जानना चाहता हूं कि इसका किराया कितना होगा अगर बांटे तो? आपका जवाब आएगा 5,000, जो बिल्कुल सही है, और इसका 5,000। जो रेजिडेंशियल है, इसने क्या करा, दुकान के ड्रॉअर में से, मकान मालिक आया इसके पास, दुकान के ड्रॉअर में से उसने 10,000 रुपये निकाल के दे दिए। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये 10,000 रुपये सारा दुकान का ही किराया था? फर्स्ट फ्लोर का भी किराया था। फर्स्ट फ्लोर में क्या दुकान है? हम खुद रह रहे हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर मेरा पर्सनल है और ग्राउंड फ्लोर मेरा क्या है? बिजनेस। तो फर्स्ट फ्लोर का जो किराया होगा इसको तो हम बोलेंगे भाई ये तो किराया क्या हो गया, पर्सनल है तो ड्राइंग, और जो इसका किराया है बिजनेस के किराए के लिए वर्ड यूज किया जाता है, हालांकि है दोनों रेंट ही, लेकिन क्योंकि वो पर्सनल है तो उसको हम रेंट ना बोल के क्या ड्राइंग बोलेंगे, ठीक है? अब इसके हम स्टेटमेंट लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा, एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा रेंट पेड, रेंट पेड रुपीस 10,000, 10,000 रुपए का रेंट पेड किया, आउट ऑफ विच 50% एरिया सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है खुद, ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है उसको मैंने ले रखा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है? तो मैंने बोला यहां पे कि जो मैंने किराया पेड किया है 10,000 रुपए, वो 10,000 में से 50% किराया तो हमारा खुद के ऊपर ही जा रहा है, और बाकी का 50% किसके ऊपर होगा? दुकान के ऊपर। तो मैं अगर यहां पे आपको कैलकुलेशन समझाऊं, तो कैलकुलेशन में 10,000 में से 5,000 रुपए तो हमारा रहेगा रेंट। क्यों रेंट इसका नाम दिया? क्योंकि ये वाला मैं मान रहा हूं, और बाकी का जो हमारा 5,000 रुपए है इसको मैं मान रहा हूं ड्रॉइंग,
क्यों ड्राइंग मैंने माना? समझ में आ रहा है, इसलिए इसको मैंने मान लिया ड्राइंग। अब आपको पता है रेंट बिजनेस के लिए खर्चा है तो जर्नल एंट्री में क्या होना चाहिए? इट शुड बी। ड्राइंग भी हमारा क्या होता है? एक तरीके का खर्चा।